खेल बन गई है ये जिंदगानी। बुरा लगा मुझे देखकर, यहाँ आना जाना तो लगा ही रहेगा। क्या चाहती हो तुम? आपको बड़ी बेगम साहिबा अपने कमरे में बुला रही है। यहाँ आना चाहो तो तुम भी आ जाओ, मेरा फिक्र तो रहेगी तुम्हें कि पता नहीं मैं क्या बातें कर रही हूँ आंटी से। मुझे ना कोई फिक्र है ना डर। आप जाए मैं आती हूँ। जी ठीक है। अरे मेरी बस में उतारा। मैं सब बता देती हूँ आंटी। लेकिन क्या करूँ, समन से वादा किया कि तुम्हारे और फारिस के रिलेशन के बारे में कोई बात नहीं करूँगी। तुम अब भी उसके बारे में ज़्यादा सोचती हो और वो है कि हमेशा तुम्हारा भला चाहती है। मैंने कभी समन का बुरा नहीं चाहा। तो फिर क्यों जाती हो भाग भाग कर फारिस के पास? प्लीज़ जब भी आया करो ना अपनी ज़बान संभाल के बात किया करो। अरे समन क्या कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो तुम फिर से उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने फारिस के पीछे पड़ जाओगी। आंटी का रूम कौन सा? आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। आओ आओ। कैसी तबीयत है आपकी? बैठो। तबीयत मेरी ठीक थी, बस कल टेंशन बहुत थी तो इसलिए मैंने मना कर दिया था मिलने से। मैं समझ सकती हूँ आंटी। वाकई? सारिम ने बताया था मुझे। बेटा फिर उसे कहो ना कि वो माँ की मोहब्बत से वाकिफ है तो वापस आ जाए। आंटी वो तो घर वापस आना चाहता है लेकिन ये लेकिन हम सबको खामोश कर देता है। छोड़ो, तुम बताओ क्या खाओगी? नहीं आंटी बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? सारिम क्या सोचेगा कि मैंने उसकी दोस्त की कोई वैल्यू नहीं की? ठहरो। हाँ परवीन, मैंने जो कहा था ना, हाँ यहीं ले आओ मेरे कमरे में। बिल्कुल हम यहीं हैं। हाँ ले आओ। ओके। तुम शायद पहले भी आई थी लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई। जी आंटी, मैं तो सादान भाई की शादी की मुबारकबाद देने आई थी लेकिन आई थिंक किसी ने आपको खबर नहीं होने थी। नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया। ठीक, आपको तो और भी बहुत सारी बातों कह रही है। हाँ ये सब गलती सारिम की है, उसको बताना चाहिए था आपको। तुम भी यही समझती हो? ऑब्वियसली आंटी, अगर वो पहले दिन ही आपको सब सच्चाई बता देता तो आज ऐसे सफर तो ना कर रहा होता। वो तो मुझे कुछ भी नहीं बताता। आंटी वो तो घर के सुकून की खातिर खामोश था लेकिन उसे क्या अंदाजा था कि चुप उसी के अपने गले पड़ जाएगी। तुम अनिष्पा को जानती? अब जान चुकी हूँ और जाने के बाद सॉरी टू से उसके जिक्र से भी घिन आती है। कोई इंतकाम में इस हद तक बिगड़ सकता है क्या? लेकिन वो सारिम से किस बात का इंतकाम लेना चाहती है? आंटी शादी से पहले सारिम के साथ उसकी दोस्ती थी काफी अरसे तक। वो सारिम से शादी करना चाहती थी लेकिन सारिम ने इनकार कर दिया क्योंकि सारिम जान गया था कि अलिश्पा की तो आदत है ऐसे लड़कों के साथ दोस्तियां लगाना। बस इसी बात का इंतकाम ले रही है वो, इसीलिए तो सारिम ने आपको शादी से भी मना किया था। सारिम को हमें सब कुछ बता देना चाहिए था। सादान और मैं तो उसे पूछते ही रह गए लेकिन उसे जबान नहीं खोली। आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है उसे अंदाजा नहीं होगा कि बाद में अलिश्पा उसके साथ ये सब कुछ करेगी। ये अलिश्पा की दूसरे लड़कों से भी दोस्ती रही है? दोस्ती तो बहुत छोटा वर्ड है आंटी, मैं तो वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहती लेकिन उसकी तो आशिकियां रही हैं, हॉबी है उसकी। क्या सोच के लाई थी मैं से और ये क्या निकली? आंटी मैं तो सादान भाई से भी मिली थी, उनको भी बताना चाहती थी मैं लेकिन सिर्फ इसलिए खामोश हो गई कि अगर वो दोनों आपस में खुश हैं तो मेरी वजह से उनके दरमियान कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। आंटी आप प्लीज सारिम को घर ले आए ना। हाँ बेटा ऐसा ही होगा।
आप खबरदार, नवेरा के ही तुम्हारी बास्केट मैंने समन को भिजवा दी। तो ये भिजवा देते ना बेटा, मैंने सोचा खुद दे आओ तुम, कभी कभी बहन की तरफ चले जाते, खुश हो जाएगी। अब आपको पता है मैं वहां क्यों नहीं जाता। अब कौन सा आलेश पा वहां बैठी, जाओ दे आओ। अच्छा चलें, चले जाता हूँ, बल्कि समन को भी ले जाता हूँ। नहीं, उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है, जरूरत के तहत ही उसे बाहर ले जाओ तो अच्छा है। आपको पता है मैं घड़ी आहिस्ता चलाता हूँ। अच्छा ठीक है, ले जाओ उसे भी। समन, तुमने बताया नहीं बाबा चॉकलेट्स लाए? ओह सॉरी, मैं किचन में रख के भूल गई थी, ले आती हूँ। नहीं नहीं, आकर खा लेंगे, चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? नवेरा की तरफ, बाबा उसके लिए भी लाए तो देने जाना है। ड्राइवर के हाथ भिजवा दो। पापा चाहते मैं एक बार नवेरा को मिल लूँ, थोड़ी देर के लिए जाएंगे। फिकर ना करो, निष्पा नहीं होती है वहाँ। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी तुम दे आओ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो थकावट हो जाती है। शो ठीक है। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आंटी। यकीन जाने मैं तो इतनी कंफ्यूज थी आने से पहले। सारिम ने तुम्हें डरा दिया होगा ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, और मुझे हैरत है सारिम ने मुझे इतनी प्यारी लड़की से पहले क्यों नहीं मिलवाया। वो तो मिलवाना चाहता था, लेकिन हालात ही ऐसे हो गए। अलिश्पा भी तो इतने अगेंस्ट है ना मेरे। उसने सारिम को थ्रेटन किया था कि सारिम ने अलिश्पा को छोड़ा था, इसलिए वो मुझे भी इस घर में नहीं आने देगी। आई एम सो सॉरी बेटा, तुम्हें भी ये सब फेस करना पड़ा है। कोई बात नहीं आंटी, अब बहुत जल्द हम तुम्हारी फैमिली से मिलने आएंगे। ओके। सारे मिला है तुम्हारे पेरेंट्स से? नहीं, वो बीसी बात का वेट कर रहा है कि जब आप साथ आएंगी तब आएगा। बहुत जल्द आएंगे आंटी, आप सारे को वापस ले आए ना, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। आई नो बेटा, ले आऊंगी, और उसे नहीं लाऊंगी तो तुम्हें कैसे लाऊंगी इस घर में? ये भी है। तुम और लो ना कुछ। नहीं नहीं, बस बस आंटी, बस चाय पीऊंगी। अरे मेरी बस पे उतारा, मैं सब बता देती आंटी, लेकिन क्या करूं, समन से वादा किया कि तुम्हारे और फारिस के रिलेशन के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तुम अब भी उसके बारे में ज़्यादा सोचती हो, और वो है कि हमेशा तुम्हारा भला चाहती है। पता है समन क्या कहती है, कि अगर मैंने तुम्हारी पोल खोल दी ना तो तुम फिर से उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने फारिस के पीछे पड़ जाओगी। मैंने आंटी से तुम्हारे और फारिस के रिलेशन के बारे में कुछ नहीं कहा। एहसान मंद रहना सारी उम्र समन की। मेरा फारिस के साथ ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था जिस पे मुझे शर्म है। अच्छा, तुम्हारा तो सारिम के साथ रिलेशन नहीं था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि झूठ बोल रहा है वो तुमसे? बेवकूफ बना रहा है तुम्हें वो? नहीं, तुम बेवकूफ बना रही हो सबको। लेकिन अब तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं रिश्वा, तो ये सादान भाई की आंखों पर बंदी पट्टी भी बहुत जल्द खुल जाएगी। अगर मेरी जुबान बंद रखवाना चाहती हो ना तो सारिम को वापस ले आओ। फारिस का जिक्र मेरी जुबान पर नहीं आएगा, बल्कि सारिम भी इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ये वादा है मेरा तुमसे। लेकिन मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसा, ना तुम्हारा और ना ही सारिम का। खुदा हाफिज। आंटी, मैं नहीं जानती कि टीना ने आपसे क्या कहा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि टीना को भी सारिम ने ही मोहरा बनाया था। बस कर दो, हर कोई इस बात पर नहीं तुला हुआ कि तुम्हें गलत साबित करना है। लोगों के पास और भी काम है करने को। आंटी, टीना को कितना जानती हैं आप?
पहली बार तो मिली हैं आप उससे? कुछ लोगों को चंद लम्हों में ही पहचान लिया जाता है, और कुछ लोगों के साथ तो बल्कि अरसा भी गुजार लो तो आप उनको जान नहीं सकते। आंटी, आपसे कभी सारिम ने टीना का जिक्र किया है पहले? उसी ने भेजा था उसे मेरे पास। आंटी, यही तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसने टीना को तब यहाँ भेजा जब उसे मुझसे गर्ज थी, मुझे आपकी नजरों में मजीद गिराने के लिए। तुमने अब और कितना गिरना है? गिरने में कोई कसर छोड़ी है तुमने? टीना ने जो आपसे कहा है उसका प्रूफ है आपके पास? मुझे प्रूफ की क्या जरूरत है? जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हारा रवैया मेरे सामने है। मैं नहीं समझा सकती आपको। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझे मत समझाओ, और सारिम के साथ जो जिद लगाकर बैठी हो उसे खत्म कर दो। जिद? सारिम ने तुम्हारे करतूत देखकर तुम्हें रास्ते में छोड़ दिया तो क्या हुआ? तुम्हें किस चीज की कमी है? सादान तो तुम्हें खुश रखता है ना, अब बख्श दो उसकी जिंदगी। सारिम की मामा से मिलकर आप बहुत खुश होंगी, बहुत प्यार करने वाली खातून है। इसका मतलब है कि तुम्हें वो अच्छी लगी। बस अब अल्लाह से दुआ है कि उन्हें भी तुम अच्छी लगो। बहुत तारीफें कर रही थी मेरी, कह रही थी कि बहुत जल्दी आपसे भी मिलने आएगी। सारिम भी घर पे था? नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी चला जाएगा। क्या मतलब? वो मामा, उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, बट जल्द रिजॉल्व हो जाएंगे। अलिश्मा मिली? वही तो मिली थी सबसे पहले, मकार लड़की। तुमने कोई बात तो नहीं की उनकी फैमिली के इंटरनल मामलात के बारे में? वही तो आंटी मुझसे डिस्कस कर रही थी, खुद अपने घर पे रहते हुए उन्हें अपने घर के मामलात की कोई खबर ही नहीं है। बट यू स्टे आउट ऑफ इट। अगर तो तुम्हारा फ्यूचर उस घर से जुड़ा हुआ है तो तुम्हें वहाँ किसी से नहीं बिगाड़नी, ना सारिम के मामा से ना उसकी भाभी से। तुम्हारे लिए सब अहम होने चाहिए। मामा, आप नहीं जानती उनके घर के मामलात को। ओहो, इट्स गुड टू नो। मेरी बेटी को अभी से उस घर के मसाइल की फिक्र होने लगी। अब पता है, आंटी से मिलकर मुझे अंदाजा हुआ है तुमने बहुत ट्रस्ट है मुझ पर। देखो बेटा, जो ट्रस्ट करता है ना तो फिर उस ट्रस्ट को बहुत जिम्मेदारी के साथ हैंडल किया जाता है। डोंट वरी मामा, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। अच्छा, अब ये बताओ सारिम कब आ रहा है? वो भी बहुत जल्दी आएगा, बल्कि मैं खुद लेकर आऊंगी उसे आपसे मिलवाने। देखो बेटा, अब तो तुम उसकी मामा से भी मिलाई हो तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। उसकी मजबूरियां मैं समझती हूँ मामा, लेकिन मैं और तुम्हारे पापा सारिम को मिलने के लिए बेताब हैं। वेरी सून लेकर आऊंगे सर। चल आओ नीचे चल दे, बहुत देर हो गई। समन, टीना की कॉल आ रही है, उसे प्लीज उठा के पूछ लो क्या है, बता दो मैं वॉशरूम में हूँ। सॉरी यार, मैं तुम्हें बिल्कुल बताना भूल गई। गई थी मैं सारिम की मामा से मिलने, और उस अलिश्मा को तो मैंने अच्छे से वार्न कर दिया। अगर मैंने उसके और फारिस के बारे में जबान खोल दी ना तो उस घर में उसकी जगह नहीं बचेगी, और उसकी सास, उसको तो उसके सब करतूत पता। समझो अपने घर में मुंह छुपाती फिर रही है वो। हेलो हेलो, क्या हुआ, क्या कह रही थी? वो आवाज नहीं आ रही थी। एगमन, क्या बात है मामा, आपने बुलाया मुझे? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बता तो दिया होगा कि आज टीना आई थी। नहीं, टीना क्यों आई थी? वो तो खैर बहुत बार आ चुकी है इस घर में, लेकिन अलिश्मा ने हमें हवा भी नहीं लगने दी। मामा पहले की बात छोड़ें, आज वो क्यों आई थी ये बताएं।
तुम मुझे एक बात बताओ सादान, अलिश्बा ने क्या क्या इल्जाम लगाए थे सारिम पर? एक तो ये था ना कि उसने उसका फोन स्नैच किया था, वो तो सरासर गलत निकला। उसके बाद और क्या था? कि वो उसे हरास करता था, उसके साथ फ्लर्ट करता था, यही था ना? मामा ये बातें इस काबिल है नहीं कि बार बार डिस्कस की जा सके। तुम नजरअंदाज कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। मुझे तो हर लम्हा अजियत होती है कि मेरा बेटा बगैर किसी जुर्म किए सजा काट रहा है। आपने अब तक ये नहीं बताया कि टीना यहाँ क्यों आई थी? अलिश्बा का असल रूप दिखाने। उसकी जुर्रत कैसे हुई मामा? और वो होती कौन है हमारे घर में आकर हमारे मामलात में इंटरफेयर करने वाली? उसका क्या हक है? सारिम की दोस्त है वो, बल्कि उसकी मोहब्बत है, और वो सब कुछ जानती है तो उसका हक है बोलने का। क्या जानती? वही हकीकत जिससे तुमने आंखें बंद की हुई। ऐसी कौन सी नई हकीकत बता दी उसने आपको? सारिम अलिश्बा से फ्लर्ट नहीं कर रहा था, अलिश्बा सारिम के साथ फ्लर्ट कर रही थी, और सारिम बखूबी वाकिफ था उसके कैरेक्टर से, इसलिए वो चाहता ही नहीं। बस कर दे मामा। आप अलिश्बा को उसका मकाम इस घर में नहीं दे सकती, तो कम से कम अपने मकाम का ही ख्याल कर ले। अपने मकाम का और इस घर के सुकून का ख्याल है इसलिए तुमसे बात कर रही हूँ। कसूरवार सारिम नहीं अलिश्बा थी, और अलिश्बा ने सारिम के छोड़ने पर सारिम को इस तरह सजा दी है। मुझे तो लगता है कि वो शायद इस घर में आई ही इस मकसद के तहत थी कि इंतकाम ले सके सारिम से। जिस जज्बे को तुम मोहब्बत समझते हो ना, वो मोहब्बत नहीं थी, वो सारिम से इंतकाम लेने की ख्वाहिश थी। प्लीज मामा, आई रिक्वेस्ट यू, आज के बाद मैं अलिश्बा के बारे में इस तरह की कोई बात सुनना नहीं चाहता। प्लीज मुझसे मत कीजिएगा इस तरह की बात। सच को सच नहीं कहोगे ना, बहुत पछताओगे। अगर झूठ को सच मान लूंगा मामा तो और पछताऊंगा। और उस अलिश्बा को तो मैंने अच्छे से वार्न कर दिया कि अगर मैंने उसके और फारिस के बारे में जबान खोल दी ना, तो उस घर में उसकी जगह नहीं बचेगी। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे बस, तुम सो जाओ। क्यों सुलाना चाहते हो मुझे? फजूल बातें मत करो यार, सो जाओ जाके, ताकि तुम किसी और की यादों में खोए रहो। तुम पागल हो? कुछ लम्हे में अकेला नहीं खड़ा हो सकता? नहीं हो सकते, तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ मेरा। चलो, क्या हुआ है, कोई बात परेशान कर रही है? नहीं बस नींद नहीं आ रही। शेयर करो ना प्लीज मुझसे। समन प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, जाओ यार सो जाओ, लीव मी अलोन जाओ। अलिश्बा, तुमने मुझे टीना के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताते, सब कुछ तो बताकर चली गई है वो आंटी को। हाँ लेकिन वो तुम्हारे बारे में मामा से बहुत बुराइयां करके गई है। उससे नहीं की, करवाई गई है उससे। ऑब्वियसली, यू नो जब मैंने टीना के बारे में सुना था, मैंने तो सीरियसली उससे सारिम के लिए सोच लिया था। सारिम को टीना में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे भी वो सिर्फ इस्तेमाल ही कर। तो बताइए यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं सारिम की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जब टीना हमारे घर लास्ट टाइम आई थी तो नोट किया था मैंने उसका बिहेवियर कितना बुरा था उसके साथ। आंटी से भी नहीं मिलने दिया उसने। इतना कुछ हो गया है लेकिन सारिम को अभी भी अकल नहीं आ रही। जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा ना, यही करता रहेगा। मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो मुझ पर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
कोई परेशानी है तो शेयर कर सकते हो, शायद कम हो जाए। शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम मुझे सही जवाब दोगी। तुम्हारी परेशानी का ताल्लुक मुझसे? इस हद तक तो तुमसे जरूर है कि जो सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं उनका जवाब तुम्हारे पास है। तो फिर हेजिटेशन किस बात की है? पूछ लो, मदद ही हो जाएगी। टीना का लिश्बा से क्या ताल्लुक है समय? मतलब तुम्हारी परेशानी की वजह लिश्बा ही है। एनीवेज तुम्हें टीना की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसकी सारिम से शादी होने वाली है। शादी? और सारिम से? हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? तुम अगर झूठ नहीं भी कह रही हो तो टीना तुमसे झूठ बोल रही है, क्योंकि सारिम जैसा इंसान कभी कमिटमेंट नहीं दे सकता। वो भी मुझसे झूठ नहीं कह रही है, शादी कर रही है, वो उससे प्यार करती है। अगर वो झूठ नहीं बोल रही तो फिर सारिम झूठ बोल रहा है। एनीवेज ये उन लोगों का पर्सनल मैटर है, आई डोंट थिंक हमें डिस्कस करना चाहिए। टीना लिश्बा को उस घर से क्यों निकालना चाहती समय? क्यों पीछे पड़ी हुई है उसके? ऐसा तुमसे लिश्बा ने कहा है? मेरे सवाल का जवाब तो समझ, टीना को लिश्बा से प्रॉब्लम क्या है? उसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बस लिश्बा को है सबसे। इसे तुम्हारी मॉम से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरी मॉम है इतनी लविंग, एंड आई एम श्योर उन्होंने तो तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला भी कर लिया होगा। ऐसे ही कह रही थी वो। थैंक यू सो मच टीना, तुम मेरे लिए इतना करे। अरे सारे प्यार में तो कुछ भी कर ले बंदा। तुम्हारी बातों से तो लिश्बा की हकीकत खुल के आके सामने आ गई होगी। हमें तो अंदाजा ही नहीं था कि लिश्बा उस घर में रह के तुम्हारे साथ क्या करना चाह रही है। वैसे मुझे लगता है तुम्हें आंटी को बहुत पहले ही बता देना चाहिए थी, तुमने बहुत गलती की। लिश्बा ने तो खुद को बहुत डिफेंड किया होगा ना तुम्हारे सामने? नहीं, वो तो वापस थी ही नहीं, लेकिन उसे ये जरूर अंदाजा हो गया होगा कि अगर उसे उस घर में रहना है तो तुम्हें वापस तो लाना ही पड़ेगा। जब तक वो उस घर में तब तक तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसे अपनी भाई की जिंदगी से निकालना ही होगा, वही मेरी जीत होगी। हम छोड़ दो ना यार ये सब। देखो अगर किसी से जंग की जाती है ना तो मैदान में रहकर करनी पड़ती है। अरे भाई वाह, तुम तो बड़ी समझदार निकली। मेरे बारे में सोचोगे तो समझ सकोगे ना मुझे। तुम बहुत अच्छी हो टीम। अरे मगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो मेरी बात मान लो ना। देखो मैं भी तो आंटी से मिल चुकी हूँ, तुम एक बार मेरे पेरेंट्स से क्यों नहीं मिल लेते? बस इस मसले से निकल आऊं फिर मिल लूंगा, प्रॉमिस। मैं कब तक उन्हें एक्सक्यूज देती रहा? मैं चाहती हूँ सिर्फ तुम एक बार मिल लो उनसे, ताकि उनका यकीन हो जाए कि तुम वाकई एग्जिस्ट करते हो। तो उन्हें यही नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ कि नहीं? That's so funny. तो मिले कब हो उनसे? हमेशा तो उन्होंने तुम्हारा जिक्र मुझसे ही सुना है बस। चलो फिर आज तुम्हारा ये वाला मसला भी हल कर ही देते हैं। मतलब? चलो ले चलो मुझे अपने घर वालों से मिलवाने। Are you serious? मैं तैयार हूँ, बिल्कुल सीरियस हूँ, चलो। बट मेरे पापा तो घर पर ही नहीं है सारिन। मॉम तो है ना, उन्हीं से मिल लूंगा, लेट्स गो। Are you serious? बार बार मत पूछो, ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। चले फिर। वेट, बिल तो दे दूं। एक्सक्यूज मी यार, बिल ले आना। अब खुश आ गया तुम्हारे घर? हाँ, ये देखे कौन आया है। हेलो आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। किस कर लिया आपने ये मैं बताऊं? सारिम के अलावा और कौन हो सकता है? ठीक हो ना बेटा? जी। अच्छा चलो अंदर आओ, अंदर आके बैठो। वैसे तुम दोनों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। कि ऐसे ही है मामा, इसके बारे में तो कुछ भी प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। आंटी ऐसी बोल रही हूँ, मैं तो उसे कब से कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलना है। क्या मामा ये झूठ बोल रहा है? आई नो ये मजाक करता है। अच्छा तुम लोग बैठो, तुम लोग के खाने के लिए कुछ अरेंज करवाऊं? आंटी हम तो लंच करके आए। टीना बेटा जब घर आ रहे थे तो घर पर लंच करते? हाँ ये तो इसने अचानक ही प्लान बना लिया, मुझे तो कोई खबर ही नहीं थी इसके प्लान की। बेफिक्र हो जाओ, आगे फ्यूचर में हर प्लान तुम्हें बता के ही बनेगा। मुझे बता के नहीं, मुझसे पहले अप्रूवल लेनी होगी। ओके मैम। अच्छा कॉफी तो पियेंगे? कॉफी लेके ब्लैक।
ओके। हेलो नवेरा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझे मिलना है तुमसे। तो बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, किसी की मौजूदगी में नहीं हो सकती। फारिस खैरियत तो है ना? प्लीज बाहर आओ, मैं अंदर आकर बात नहीं कर सकूंगा। अच्छा तुम ऐसा करो, सिटिंग रूम में बैठो, मैं आती हूँ। वेरा मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे शेयर करूं। अलिश्पा से बात करूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। अलिश्पा से क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हारी मुलाकात हुई है उससे? हाँ। कैसी है वो? ठीक थी वो, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? वो मधी आंटी की बेटी है ना टीना, उसका अलिश्पा के आना जाना है। उसकी बातों से मुझे लगा जैसे अलिश्पा किसी मुश्किल में है। नवेरा तुम प्लीज पता करो। फारिस तीना को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। नहीं नवेरा, सारे बहुत बेशरम इंसान है। आई एम श्योर वो लिजबा के लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फारिस प्लीज तुम इस मामले से दूर रहो। अगर तुम इस बारे में कुछ नहीं करोगी ना तो मैं इस मामले से दूर नहीं रह सकता। अच्छा मैं जाऊंगी उसके घर। अभी कुछ दिन पहले तो वो लोग आए थे, हम लोग भी गए थे, सब ठीक था। ये भी तो हो सकता है कि लिजबा कुछ बता ना रही हो। मेरा तुम प्लीज पता करो। अच्छा डोंट वरी, मैं जाऊं। फारिस बेटा। सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप कहीं जा रहे हो? अब मैं बस खड़े खड़े नवेरा से मिलने आया था। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम आ सकते हो। भाई को खाना खिलाया? अभी तो ऑफिस जाना है, फिर कभी। अच्छा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सब खैरियत तो है ना? जी आंटी। परेशान लग रहा था फारिस? नहीं बिल्कुल ठीक है वो। चलो आओ खाना खाने। जी। मामू आप एक बात की इजाजत चाहिए थी आपसे। हाँ बोलो। वो टीना की तरफ जा सकती हूँ? अच्छा टीना को कहो के यहाँ आ जाओ तुम्हारे पास। मामू वो तो आती जाती रहती है, अब रोज रोज उसे बुलाना अच्छा नहीं लगता। मैं तो बेटा इसलिए कह रहा था कि बाहर तुमने ट्रैफिक के हालात देखे हैं ना। आप फिक्र नहीं करें, मैं ड्राइवर को साथ लेके जाती हूँ, खुद नहीं चलाती गाड़ी। अच्छा ठीक है, उसे कहना एहतियात से चले। थैंक यू। और हाँ जल्दी आ जाना। कैसा लगा आपको सारे में? बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था। सारिम पहली दफा हमारे घर आ रहा था, कुछ खास एहतमाम करती। हाँ मुझे आइडिया नहीं था ना। तुम्हारे पापा से मैंने बात की थी तो वो भी यही कह रहे थे कि मेरी मौजूदगी में बुलाते सारिम को। अब तो फिर आ जाएगा, नो इट्स नॉट अ बिग डील। तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तसल्ली हो गई कि तुम दोनों के मिजाज मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ बट अ सरप्राइज। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसी आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो लग रहा है जैसे सरप्राइजेस का दिन है। क्या सरप्राइज मिला आंटी को? सारिम आया था घर पे। ओके फाइनली आपने सारिम से मिल लिया। अच्छा तुम लोग बैठो, तुम लोग के खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। तुम्हें अंकल और फारिस ने इजाजत दे दी घर से निकलने की? टीना तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी अलिश्पा से मुलाकात कैसी रही। कॉल की तो थी मैंने तुम्हें, तुमने कट कर दी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ टीना। क्या हुआ? अलिश्पा के रिश्ते खत्म ही नहीं होते हैं फारिस से। हुआ क्या है? फारिस को लगता है कि तुम अलिश्पा के पीछे पड़ी हुई हो। What? फारिस कह रहा था कि तुम अलिश्पा को उसके घर से निकलवाना चाहती हो। इसका मतलब है अलिश्पा ने सब बातें फारिस को बता दी? जाहिर सी बात है, अब वो चाह के भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उन दोनों का रिश्ता है। मुझे तो अलिश्पा की डिटाई पर हैरत है, बजाय इसके कि वो सादान के साथ अपने रिश्ते को बचाने पर फोकस करे, वो फारिस को फीडिंग करने लग गई है। पता नहीं क्या हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है टीना।
जब फारिस तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? कैसे वो मेरे साथ ठीक हो सकते हैं? अलिश्बा उसकी जान ही नहीं छोड़ती। मतलब तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो नवेरा? ठीक हूँ। बड़ी बात है, आज आपने मुझे देख के मुंह नहीं मोड़ा। उस दिन भी जाना नहीं चाहती थी, बस तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। आप बड़ी हिम्मत से, आपसे कुछ पूछ नहीं सकती। काश ये अदब और एहतराम तुम लोगों ने अलिश्बा को भी सिखाया होता। अदब और एहतराम के मामले में अलिश्बा को मैं 100 में से 100 नंबर देती हूँ। खुदा जाने आप उसे समझ क्यों नहीं सके। समझ ही तो गई हूँ, तभी तो शर्मिंदा हूँ। जिस लड़की को इतनी इल्तिजाओं से मांगा था तुम लोगों से, वो इस काबिल ही नहीं निकली। वो किस काबिल है इस बात का अंदाजा सादान को है, पूछिएगा उससे। अलिश्बा ही तो थी जिसने आपके टूटे हुए बेटे को सहारा दिया। सहारा? उसने तो मेरे बेटे के दुख को अपना वेपन बनाया, ताकि अपने पांव जमा सके इस घर में और सारिम से इंतकाम ले सके। इंतकाम? इंतकाम किस बात का? रहने दो, अलिश्बा ऊपर है अपने कमरे में, तुम जाके मिल लो। नहीं प्लीज, आप मुझे बताएं कि किस बात का इंतकाम ले सके वो सारिम से। तुम्हारी अदब और एहतराम से वाकिफ तमीजदार नंद को सारिम ने छोड़ा था, लेकिन वो नहीं छोड़ सकी उसे। छोड़ो, मुझे ये बातें करनी ही नहीं है। अच्छे शरीफ घरों में ना ये तमाशे होते हैं और ना ये वजाहतें देने की जरूरत होती है। तुम जाओ मिल लो उसे। हे भाभी, आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। कभी कभी दूसरों को बेखबर रखने वाले खुद भी बेखबर रह जाते हैं। कैसी हैं आप? बहुत बुरी। ऐसा क्यों कह रही हैं? तो मैं कैसे कहूँ अलिश्बा, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा आप आए, प्लीज बैठिए। आप भी आपस यूं ही परेशान हो रहे हैं। तुम कितनी ठीक हो इस बात का अंदाजा तो मुझे नफीसा आंटी की बातों से हो गया है। आंटी मिली हैं आपको? हाँ, और इनकी बातें सुनने के बाद उनके साथ चंद लम्हे भी गुजारना मेरे लिए गवारा नहीं था। अलिश्बा तुम कैसे यहाँ रह रही हो जहाँ तुम्हारे किरदार के बारे में इतनी बेतबारी है? छोड़े उनकी बातों को, एक दिन उन्हें भी सादान की तरह यकीन हो ही जाएगा कि सच वो नहीं है जो सारे मुझे बता रहा है। और तब तक सारे जमाने में तुम्हारी बदनामी के चर्चे होते रहे। अलिश्बा तुमने कहा कि अपनी जुबान बंद रखो तो मैंने तुम्हारी बात मान ली, ये सोच करके शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन तुम जिन हालात में रह रही हो ना, बाहर वालों को खबर है। किसी ने कुछ कहा है आपसे भाभी? सिर्फ कहा ही नहीं है, थ्रेट भी दिया है मुझे कि मैं तुमसे खुद जाके पूछूं, वरना वो खुद आके पूछ लेगा। अलिश्बा फारिस आया था मेरे पास, टीना के थ्रू उसे पता चला है कि तुम किन हालात में इस घर में जी रही हो। हाँ, तो टीना ने समन को बताया होगा और समन ने फिर फारिस को। अलिश्बा ये बात मैटर नहीं करती कि किसने किसको क्या बताया है, ये बात मैटर करती है कि तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। अगर इन लोगों का रवैया तुम्हारे साथ नहीं चेंज होता तो तुम छोड़ दो इनको। अभी सादान को कैसे छोड़ दूं जो मेरे लिए हर एक से लड़ रहा है? अलिश्बा तो फिर सादान से कहो कि तुम्हें लेके अलग हो जाए। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम नफीसा आंटी और सारिम की बातों से अपना दिल चला? चलें भाभी, मैं कहूंगी सादान से कि मुझे लेकर अलहदा हो जाए, लेकिन उसके बाद उनका इस घर से ताल्लुक खत्म हो जाए और फिर भी सारा इल्जाम मुझे पर आएगा। बेवकूफ लड़की, तुम सबको खुश नहीं रख सकती। अगर तुम सादान के साथ ताल्लुक निभाने की इतनी बड़ी कीमत अदा कर सकती हो तो क्या सादान इसका बदला नहीं चुका सकता? भाभी आप फारिस से कहें कि मेरे लिए परेशान ना हो, टीना ने पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा सारिम की बातों में आकर।
अलिश्मा, पारिस को तो मैं समझा दूंगी कि वो टीना की बातों को इग्नोर करे, लेकिन मैं आंटी की बातों को कैसे इग्नोर करती हूँ? चीज भाभी, एहसान होगा ये आपके मुझ पर। अलिश्मा, आखिर तो मुझे बता दो कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? भाभी, मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जाऊँ। मुझ पर ही इल्ज़ाम ये आ जाए कि मैं यहाँ से पारिस की वजह से गई। फारिस की वजह से? क्योंकि भाभी, टीना मुझसे ये कह रही थी कि सर समन की वजह से उसने मेरे और फारिस के माजी पर जुबान नहीं खोली। अगर खोल देगी तो मेरी इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। इस घर में तुम्हारी जगह अभी भी है? रियली अलिश्मा, प्लीज भाभी, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। मैं अकेले इन हालात से लड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी, पारिस की और समन की जिंदगी में, बल्कि सबकी जिंदगी में और पहुंचाल नहीं ला सकती। खेल बन गई।